आज ज़ैनब तेरी आवाज में हम يا ماني فقط كيني به فقلت هو بالكسار يا ماني فقط
ट्राई कर रहे हैं ना बहुत से فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعه وعزا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا اما فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قره عيني وثمره فؤادي فقال لي يا اما اني اشم عندك رائحه كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الوصا فدنا الحسين نعم الوصا قال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكما تحت الوصا فقال عليك
ولا خلق يسر الله يدل محبته وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله عليك السلام يا أمين معك الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الإزار فقال لي إن الله قد وقع عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم وتطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الإسراء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فأخذتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن تفرقوا. فقال علي جزم الله حسنى وقاد شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في المحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا من حبينا وفيهم مهموم لله وفرج الله همه ولا مهموم لله كشف الله همه ولا تعلم حاجة إلا قضى الله حاجة. فقال علي بن زم الله حفظنا وصعدنا وكذلك شيخنا فاز وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
एक इस काम में ताखीर नहीं हो सकती सरसार की। दोस्तों की सोबत में बढ़ जाता है उससे कदर बेहतर है कि वह अल्लाह की
सना और हम उनके अंदर मसरूफ रहे और इस काम को बाकायदा तौर पर एक अच्छे अंदाज में, जैसे उनकी सना का हक है, अब तो बहरहाल बना नहीं कर सकते मगर कोशिश बहरहाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यकीन शहर में बहुत सारी महफिल होती है तो बहुत सारे मकाम पर उस बच्चे को मौका मिल सकता है कि अगर वो अपने उस टैलेंट को हमारे सामने यहाँ रखे और उसे चुन लिया जाए। इंशाल्लाह इस साल भी ऐसा ही है, तीन ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है, 16 से 20 साल का ग्रुप है, 10 से 15 साल का, 16 से 20 साल का ग्रुप और 21 से 30 साल का ग्रुप। इस तरह तीन ग्रुप्स में हमारे पार्टिसिपेंट्स डिवाइड हुए हैं। सबसे बड़ा ग्रुप हमारे पास जो था वो 10 से 15 साल वाले बच्चों का था। बहरहाल मुकाबला और सब था हमारे लिए नतज मुरतब करना बहरहाल थोड़ा मुश्किल काम था, मगर चूंकि जो मार्च सिचुएशन थी वो दो जजिस पर मुश्तमिल थी, जब दो जज उसको दोनों के मार्क्स को मिलाया गया तो बहरहाल रिजल्ट आसानी से हमारे सामने आ गया। और सेमीफाइनल के अंदर हमारे पास जो है इकतीस बच्चे थे, जिसमें से 30 बच्चे पढ़ने आए सेमीफाइनल के लिए और उन्होंने सेमीफाइनल में पढ़ा, उसमें से हमने 11 नौजवानों को जो है इसमें आज के फाइनल मुकाबले के लिए आगे लेकर आए हैं। 10 से 15 साल वाला ग्रुप जो सबसे छोटा ग्रुप है उसको हमने नाम दिया शहजादी अजगर अलैहि सलाम ग्रुप, जो 16 से 20 साल वाला ग्रुप है उसे हमने शहजादा अली अकबर अलैहि सलाम वाला ग्रुप, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और सबसे बड़ा ग्रुप 21 से 30 साल वाला ग्रुप उसको हमने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद नाम दिया है। और ये तीन ग्रुप्स के अंदर इस तरीके से इसे डिवाइड किया है, जो सबसे छोटा ग्रुप है उसमें आज के तीन फाइनलिस्ट आए हैं, जो दरमिया में ग्रुप है जो कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के नाम से मखसूस किया गया है, उसमें मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त था, उसमें हमारे पास 5 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और 3 पार्टिसिपेंट्स में टाई है। बहरहाल अब ये कि आज के जो मामला है अभी आपके सामने उस्ताद सिद्दीक़ जाफ़र आज के रूल्स बता देंगे आपको कि जो भी आपने यहाँ पर पढ़ेगा उसे उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। और आखिरी ग्रुप हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अलैहि सलाम का ग्रुप 21 से 30 साल वाला ग्रुप, उसके अंदर भी 3 ही बच्चों ने जो है वो 3 नौजवानों ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। दरअसल इंशाल्लाह उनसे कलाम सुनेंगे और महफूज होंगे और जिस तरीके से आप मुझे खामोशी से सुन रहे थे अभी तो जरूरी था कि खामोशी सुने, इसके बाद इंशाल्लाह रूल उस्ताद बताएंगे उसमें